चूरू हूँ, मेरी जमीन संघर्षशील और सहनशील है क्योंकि ये सबसे ज्यादा गर्मी और सर्दी सहन करती है। इसी जमीन से मेरा एक सपूत जन्मा जो चूरू जैसा ही संघर्षशील और जुझारू है। उसका नाम है राजेंद्र राठौड़, मेरा राजू। जितना दुलार मैंने उसे दिया उससे कहीं ज्यादा उसने मेरी सेवा की है और अनवरत कर रहा है। 21 अप्रैल 1955 को चूरू जिले के छोटे से गांव हरपालसर में राजेंद्र राठौड़ का जन्म हुआ। पिता उत्तम सिंह प्रशासनिक अधिकारी और माता फूल कंवर गृहिणी रही। राजेंद्र राठौड़ की विधिवत शिक्षा हनुमानगढ़ में हुई। यहीं से उन्होंने स्कूल और कॉलेज अव्वल नंबरों से पास किया। इसके बाद वो उच्च शिक्षा के लिए जयपुर आ गए। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी की। परिवार के विरोध के बावजूद राजेंद्र राठौड़ छात्र राजनीति में सक्रिय हुए। वो 1979 में राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने। उनके शपथ ग्रहण समारोह में युवा तुर्क नेता श्री चंद्रशेखर पधारे। बाद में श्री चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बने। 1978 में राजेंद्र राठौड़ का विवाह श्रीमती चांद कंवर से हुआ और एक साल बाद ही पुत्र रत्न के रूप में पराक्रम प्राप्त हुए। समाज सेवा को धर्म मानकर राजेंद्र राठौड़ ने 1985 में चूरू से विधानसभा चुनाव लड़ा पर सफलता नहीं मिली। उन्होंने इस असफलता से आत्म अवलोकन किया और काफी समय परिवार से दूर रहकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए काम करते रहे। 1985 से 90 तक वे चूरू के राम मंदिर धर्मशाला के कमरा नंबर 10 में रहे। 1990 के विधानसभा चुनाव में चूरू की जनता ने राजेंद्र राठौड़ को गले लगा लिया। मैं राजेंद्र राठौड़ ईश्वर की शपथ देता हूँ। चूरू और राजेंद्र राठौड़ दोनों ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजेंद्र राठौड़ ने निश्चय किया कि अंतिम सांस तक अपनी जमीन और जड़ें नहीं छोड़ेंगे। तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने राजेंद्र के गुणों को पहचाना और उनके संसदीय कौशल को देखते हुए उन्हें 1991 में उप मुख्य सचेतक बनाया। 1993 में राजेंद्र राठौड़ ने दूसरी बार चूरू से विधानसभा चुनाव जीता। उनकी मेहनत और लगन से प्रभावित भैरव सिंह शेखावत ने उन्हें स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री बनाया। इसी दौरान राजेंद्र राठौड़ ने मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की स्थापना की। उनके प्रयासों से 50 रुपए में मिलने वाली ग्लूकोज की बोतल मात्र 7 रुपए में मिलने लगी। उनके इस प्रयास को भारत सरकार ने पूरे देश में लागू कर दिया। 1998 में राजेंद्र राठौड़ ने तीसरी बार चूरू से विधानसभा चुनाव जीता और चूरू की विकास यात्रा चलती रही। 2002 के भीषण अकाल में राजेंद्र राठौड़ ने चूरू वासियों के लिए अनाज, पानी और मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था की। अपनी एक टोली के साथ मैं निकल पड़ा। मैंने चूरू के महानगरों में चूरू प्रवासियों से बात की और मुझे प्रसन्नता इस बात की कि लगातार हम लोगों ने गांव के लोगों को चिन्हित करके लगातार 6 महीने तक उनको अनाज बांटने का काम किया। 2003 में राजेंद्र राठौड़ ने चौथी बार विधानसभा चुनाव चूरू से फतह किया। राज्य सरकार ने उनकी असीमित काबिलियत को देखते हुए पीडब्ल्यूडी यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग और संसदीय मामलात मंत्री बनाया। इस पद पर आते ही उन्होंने चूरू के हर गांव ढाणी को सड़कों से जोड़ दिया। राजेंद्र राठौड़ ने ही राष्ट्रीय राजमार्गों के समानांतर स्टेट मेगा हाईवेज बनवाए। उनके इस क्रांतिकारी कार्य की सराहना केंद्रीय कांग्रेस सरकार ने भी की थी और उन्हें राष्ट्रीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर्स काउंसिलिंग का अध्यक्ष बनाया। 2008 के विधानसभा चुनाव के समय उनके सामने बड़ी चुनौती थी। पार्टी ने उनके चुनावी कौशल और तारानगर की जनता के लगाव को देखते हुए उन्हें तारानगर से चुनाव लड़ने का आदेश दिया। उन्होंने कांग्रेस की परंपरागत सीट को ध्वस्त करते हुए बड़ी जीत हासिल की। इसी दौरान राजेंद्र राठौड़ को राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा। उनके खिलाफ झूठे सबूत पेश कर दारिया एनकाउंटर केस में फंसा दिया गया। सीबीआई से फोन आया कि परसों गिरफ्तारी होगी। राजेंद्र राठौड़ गिरफ्तारी से ठीक पहले तक
अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बगैर जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। गिरफ्तारी होते ही चूरू की जनता विहल हो उठी और उन्हें लगा जैसे कलेजे को शरीर से अलग कर दिया गया हो। आज जब राजेंद्र राठौड़ को जेल भेजा गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी थलों से, सभी हिस्सों से, सभी जगहों से एक तीव्र आक्रोश देखने को मिल रहा है। चूरू की जनता ने राजेंद्र राठौड़ के पक्ष में लंबा आंदोलन किया। 56 दिन जेल में रहने के दौरान पूरे राज्य के लोगों ने उनके जन्मदिन पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया। इन शिविरों में इतना रक्त इकट्ठा हुआ कि ब्लड बैंक क्षमता से अधिक भर गए। अपने लाडले की रिहाई के लिए मंदिर मस्जिदों में प्रार्थनाएं दुआएं हो रही थी। आखिर लोगों की दुआएं काम आई और सुप्रीम कोर्ट ने राजेंद्र राठौड़ को पूर्ण रूप से निर्दोष मानते हुए रिहा कर दिया। दारिया एनकाउंटर मामले में कोर्ट ने आज भाजपा विधायक राजेंद्र राठौड़ को एक बड़ी राहत देते हुए सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। इसके बाद राठौड़ के समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर सी दौड़ गई। चूरू की जनता उनके लिए अपना आंचल फैलाए खड़ी थी। हजारों लोग उनके स्वागत के लिए सड़कों पर उतर आए। ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा गया था। ऐतिहासिक स्वागत हुआ। ऐसे प्यार को देखकर खुद राजेंद्र राठौड़ भी भावुक हो गए। खुशी के आंसू झलक पड़े। बार फिर राजेंद्र राठौड़ दुगुने जोश से जनता की सेवा में जुट गए। 2013 में राजेंद्र राठौड़ ने चूरू से विधानसभा चुनाव में 6वीं बार विजय प्राप्त की और इस बार उन्होंने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री का पद संभाला। उन्होंने चूरू के हर गांव ढाणी तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाई। चूरू में सर्वाधिक सामुदायिक, प्राथमिक और उप स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र बने। इसी दौरान राजेंद्र राठौड़ ने चूरू को ऐतिहासिक मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। अब चूरू के युवा अपने ही घर में अध्ययन कर डॉक्टर बन रहे हैं। सैकड़ों लोगों को मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा और रोजगार मिल रहा है। 2016 में राजेंद्र राठौड़ को नया और बड़ा पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला। इस पद पर आते ही चूरू के विकास को पंख लग गए। चूरू ग्रामीण चिकित्सा, सड़क, बिजली, पेयजल सभी में राजस्थान का सबसे प्रगतिशील क्षेत्र बन गया। सरकारी योजनाओं का सर्वाधिक लाभ राजेंद्र राठौड़ ने चूरू को दिलवाया। चूरू की हर पंचायत में 10 से 25 करोड़ तक के विकास कार्य हुए। राजेंद्र राठौड़ ने चूरू में राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा नेचर पार्क बनवाया। चूरू का गादसर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट अपने आप में मिसाल बन गया है। चूरू में नर्सिंग कॉलेज, महिला कॉलेज, लॉ कॉलेज और गांवों में सर्वाधिक क्रमोन्नत विद्यालय खुलवाए हैं। ढाणियों में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है। राजेंद्र राठौड़ ने हमेशा आपसी सौहार्द और भाईचारे को अपना धर्म माना। इसका परिणाम ये है कि चूरू भाईचारे और सौहार्द की मिसाल बन गया है। उन्होंने हर त्योहार अपने परिवार की बजाय चूरू में ही मनाया है। राजेंद्र राठौड़ एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके यहाँ सुबह 6:15 बजे से जनसुनवाई शुरू हो जाती है। वे कभी किसी काम को टालते नहीं बल्कि प्राथमिकता से करते हैं। दाढ़ी बनाते या नाश्ता करने के दौरान भी जनसेवा चलती रहती है। राजेंद्र राठौड़ पिछले 30 साल से बिना थके, बिना हारे चूरू के लिए एक फाइटर की तरह लड़ रहे हैं। दलित वर्ग से करते हैं वे लोग तो हमें तो पूरा मान सम्मान देते हैं और इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। जो कि हर छोटे से व्यक्ति होता है उनका तय दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि भेदभाव नहीं रखते।
चाहे वो हिंदू हो, चाहे गरीब हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पैसे वाला हो, जो इनके पास गया वो निराश होकर नहीं लौटा। हम इनसे पूरी तरह संतुष्ट हैं। मंत्री जी, जो भी कोई गरीब आदमी, गरीब तबके का आदमी है, बीमार हो गया, वो उसके पास चला गया शरण में, तो उनको अपने निजी खर्चे से अस्पताल तक पहुंचाना और उसका इलाज करना, ऐसे कितने उदाहरण बताऊं कि जो बड़े बड़े ऑपरेशन उन्होंने करवाए। हमारी बीमारी में राजेंद्र जी राठौड़ कहने में अगर रात में 12 बजे भी जावा ने तो हमारे लिए वे अच्छी, चाहे चूरू हुए तो आजी रही और जब बाकी जयपुर में भी हुए और जब मैं जावा ने तो फोन करा दिया तो भी वे भी मरीज को काम हो। जैसे भगवान के पास जाते हैं, हम कुछ मांगने जाते हैं तो वो उन्होंने भी कुछ देते देते हैं, तो जैसे ही राजेंद्र के पास जाते हैं तो वो भी देकर भेजते हैं। ये नहीं निराश करके नहीं भेजते, ये मेरा मानना है। जनता पूरी पूरी और राजेंद्र राठौड़ ने चाहा है कि यहाँ से विधायक लड़ाए तो राजेंद्र राठौड़ ही लड़ाए। राजेंद्र राठौड़ साहब यहाँ 30,000 आदमी को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने फैमिली में अगर डिस्प्यूट भी है तो उसको सुलझाने की भी कोशिश करते हैं और वो वार्तालाप से कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ जो केस हैं, पुलिस केस बहुत कम बढ़ते हैं। दोनों पार्टियां अगर राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब के पास चली जाती है तो वो दोनों को बिठा के समझाइश करके और उसको उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो उनकी जो सादगी है वो हमें इतनी अच्छी लगती है कि कोई बच्चा भी उनको मिल जाए या उनसे हाथ मिलाए तो उनको ये नहीं कि बच्चा है। खुशी हो या गम हो, ये हमेशा चूरू के लोगों के बीच में रहते हैं। राजेंद्र राठौड़ अपनी सेवा और समर्पण से लोगों का प्यारा और दुलारा बना है। उसने कभी चूरू को विफलता का मुंह नहीं दिखाया। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। 30 साल पहले राजेंद्र राठौड़ ने जो विश्वास और विकास का पौधा लगाया था वो विशाल वृक्ष बन गया है, कारवां मंजिलों को पहुंच गया है। मैं चूरू हूं और मुझे नाज है अपने सपूत राजेंद्र राठौड़ पर। Let's go, let's go.